सो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं धुआंधार यूपी बोर्ड प्रिपरेशन। तो आज ये क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स का पार्ट थर्ड है, जिसमें अभी से पहले हम लोग दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ तक कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें बता दिए गए हैं। आज के जो नेक्स्ट पार्ट हैं उस पार्ट में आपको वैद्युत चालन तथा ओम का नियम, मतलब कंडक्टिविटी और ओम्स लॉ, और दूसरा किरचॉफ्स के नियम से रिलेटेड है। तो इन चैप्टरों में देख लेते हैं कि आखिर क्या इंपॉर्टेंट है और आप कितना ज़्यादा नंबर गेन कर पाएंगे इन चैप्टरों से। तो देखिए, जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं उस चैप्टर में, सबसे पहले हेडिंग दी गई धारा घनत्व। तो धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व मतलब करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जैसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं, आई अपॉन ए, मतलब एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा जो होती है उसे कहते हैं करंट डेंसिटी। एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। जे बराबर आई अपॉन ए। ऐसी इस प्रकार से है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे, मतलब विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। और विशिष्ट प्रतिरोध का सिर्फ प्रतिरोध से रिलेशन अगर पता किया जाए तो R बराबर रो एल अपॉन ए होता है। कभी कदार ये भी पूछ लिया जाता है। अनुगमन वेग क्या होता है? तो अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर इसको बोलते हैं अपवाह वेग, तीन नामों से इसे जाना जाता है। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंग्लिश में बोलते हैं, और अपवाह वेग। इसका फॉर्मूला होता है VD इज इक्वल टू EV टाउ अपॉन ML, टाउ अपॉन ML, जहां टाउ श्रांति काल होता है, L लेंथ होती है। और इसका ही संबंध V का, मतलब अनुगमन वेग का जब धारा से संबंध निकाला जाता है, अनुगमन वेग और धारा का संबंध अगर पूछा जाता है, एक नंबर में फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो बता देंगे I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। सिंपल सा सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, आपका आंसर खत्म। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, सिंपल सा। ये धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में रिलेशन है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, जो लॉन्ग में आता है आपका। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुगमन वेग से ओम का नियम स्थापित कीजिए। अनुगमन वेग से ओम का नियम, प्रूव द ओम्स लॉ विद द यूज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग से क्या करना है आपको? ओम का नियम सिद्ध करना है। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसको आप जरूर तैयार करिएगा। इधर आ जाते हैं किरचॉफ के नियम में। तो किरचॉफ के नियम में आता है आपका वैद्युत सेल, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रिक सेल्स जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। बैटरीज के बारे में देख लीजिए, बैटरीज की बात कर रहे हैं तो बैटरीज में क्या होता है? ईएमएफ होता है। ईएमएफ क्या करेगा? ईएमएफ एक कूलाम आवेश को पूरी सर्किट सहित बैटरी में घुमाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये आपका आ गया। धारा क्या निकाली जाएगी? अगर धारा की बात करें तो इसमें आ जाती है ई अपॉन आर प्लस आर। देखो ये है क्या, ये देख लेते हैं जरा। सर्किट के रूप में अगर हम यहाँ बैटरी जोड़ें तो बैटरी के अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और एक बाहर तो मान लो जैसे ये बल्ब लगा हुआ है तो ये रेजिस्टेंस तो है ये। तो बैटरी के अंदर टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हो जाएगा और बाहर का रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, और इसमें जो लगने वाला बल है कितना है? ई है। तो कैपिटल ई इज इक्वल टू स्मॉल आर और कैपिटल आर, ये लिख दिया। धारा का रिलेशन क्या निकल आएगा? आई बराबर कैपिटल ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। आर क्या है? स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस का वन, ई अपॉन वी माइनस का वन। ये इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आपके बुक में आते हैं। और किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम की बात की जाए तो किरचॉफ के दो नियम होते हैं। पहला होता है जंक्शन लॉ, जैसे संधि का नियम कहते हैं। दूसरा होता है लूप का नियम, लूप्स लॉ। तो जंक्शन का नियम जो होता है वो क्या कहता है? समस्त धाराओं का योग, किसी संधि पर समस्त धाराओं का योग क्या होगा? शून्य होगा। किरचॉफ का नियम यही कहता है, सिंपल सी डेफिनेशन है, समस्त धाराओं का योग किसी भी संधि पर क्या होगा? शून्य होगा। मतलब जितनी धाराएं आ रही होंगी इस जंक्शन की तरफ वो सब प्लस में होंगी, और जितनी धाराएं जा रही होंगी वो सब माइनस में होगी। अगर इसकी इक्वेशन लिखी जाए तो क्या होगा? आई वन प्लस आई टू माइनस आई फोर माइनस आई थ्री बराबर जीरो। जब इन सबको जोड़ा जाएगा तो मान कितना आना चाहिए? जीरो। तो वही सिग्मा ई सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो लिखा है, ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ कहता है कि टोटल विद्युत वाहक बल, जो इसमें टोटल कुल विद्युत वाहक बल है, मतलब ई वन प्लस ई टू जो बराबर होता है,
बहने वाली धारा तथा कुल प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। मतलब जितने भी प्रतिरोध होंगे उनका धारा से गुणा करा दो, फिर सबका अलग अलग ऐसे आई आर आई वन आर वन आई टू आर टू आई थ्री आर थ्री ऐसे निकलेगा, तो उन सबको जोड़ दो, बीजगणितीय योग क्या कहलाएगा, ई के बराबर ही होता है। तो समीशन ऑफ ई इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई आर, ये अलग फिगर बना देना है आपको, आंसर फाइनली खत्म। किरचॉफ के दो नियम में सिर्फ इतना ही लिखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जानते हैं किरचॉफ का पूछा जाता है। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो लिखना है, सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर लिख देना है, इसमें अलग डाइग्राम इसमें अलग डाइग्राम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद है एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कहते हैं व्हीट स्टोन से, तो व्हीट स्टोन से तो क्या होता है, इसमें चार प्रतिरोध लगे होते हैं पी क्यू आर एस, जिसमें पी क्यू श्रेणी सीरीज क्रम में होते हैं, उसके बाद आर एस सीरीज में होते हैं, फिर ये दोनों किसमें हो जाते हैं, पैरेलल में हो जाते हैं। इसमें एक कुंजी के टू और इधर कुंजी के वन लगी होती है, एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ये लिखा है गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी लगी हुई है। अब हमें क्या करना होता है, इन चारों प्रतिरोधों को इस वैसे मान में रखना होता है कि संतुलन की स्थिति में P अपॉन Q बराबर R अपॉन S उपस्थित हो जाए। एक तो हम ये भी कहते हैं कि अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग किया जाता है, यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब मान लीजिए कोई तीन आपको पता होंगी, तो इस संतुलन की स्थिति ये होगी, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, और इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, तीन की वैल्यू रखी होगी, एक की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर सकते हैं। तो संतुलन की स्थिति कब होगी, संतुलन की स्थिति तब होगी जब यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेप शून्य हो, विक्षेप कितना हो, शून्य हो, जब इस K2 कुंजी को जोड़ा जाता है तब इसमें जो बहने वाली धारा है उसकी वजह से यहाँ पर विक्षेप जो होगा, डिफ्लेक्शन जो होगा वो, अगर शून्य होता है तो कंडीशन P अपॉन Q बराबर R अपॉन S आपकी प्रूव हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दो चैप्टरों में विद्युत चालन तथा ओम का नियम और किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु, जिसे कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु, इसके बाद मीटर सेतु है, उसका डायग्राम बनाना थोड़ा सा यहाँ पे वो हो जाएगा। तो मीटर सेतु को एक बार पढ़ लीजिएगा, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक की वीडियोस देखते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए आगे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनको जरूर तैयार करके जाइएगा एक बार। तब तक पढ़ते रहिए ऐसे ही, और शेयर करिए वीडियो को। आज तक।